तो गाइज हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं, अभी तक प्लेटफॉर्म में ट्रेन लगी नहीं है। 6:25 हमारी ट्रेन है। हमारा कोच एच है, इस बार हमें कूपे नहीं मिला है बट केबिन मिला है। पर हम लोग कोशिश करेंगे कि कूपे और केबिन दोनों का आपको टूर दे, ताकि अगर कभी आप लोग ट्रैवल करोगे तो समझ आएगा कि कैसा ये ट्रेन है और क्या है। आज हम लोग एक ट्रेन की जर्नी देने जा रहे हैं रांची से वाइजैग के लिए। ट्रेन का नंबर है 1-2-8-3-5 है, जिसमें हमारा केबिन में हुआ है इस बार, कूपे हमें नहीं मिला। बट हम लोग कोशिश करेंगे आपको कूपे का भी टूर देने का। फिर आइए मिलते हैं आगे की जर्नी की ओर। प्लीज़ बने रहिए इस ब्लॉग में। गाइस हम लोग ट्रेन का नाम क्या है पता नहीं, हटिया बेंगलुरु ट्रेन में है। ये कूपे है यहाँ का, जिसमें आप देख सकते हो कि दो बर्थ है, एक अपर और एक लोअर, और ये स्टेयर्स है जिसके थ्रू आप ऊपर जा सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे वो साउंड वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए लाइट्स है, इसके अलावा सारे लाइट्स ऑन है। ये स्विच बोर्ड से आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। और ऊपर में वो लाइट है, रीडिंग लाइट है, नीचे में भी एक रीडिंग लाइट है जो कि काम कर रहा है, और एक मिरर है बड़ा सा। ये जस्ट लाइक कोलकाता का जो ट्रेन था उसी की जैसे, ऊपर में होल्डर है, आप यहाँ पे सामान रख सकते हो। कर्टन से और ये खिड़की है, और नीचे में एक टेबल है, दो टेबल है एक्चुअली, जिस पर आप सामान रख सकते हो। और अभी तकिया वगैरह तो दिया नहीं है, पूरा ब्लैंकेट एक है ऑलरेडी। सो बस, तो ये है कूपे का टूर, अब आपको केबिन का टूर देते हैं। सो गाइस ये है केबिन इस ट्रेन का, जिसमें टोटल चार सीट होती है, अपर बर्थ, लोअर बर्थ, और ये अपर बर्थ लोअर बर्थ। साथ ही सब कुछ सेम ही होता है, स्टेयर्स है यहाँ पर जाने के लिए, ऊपर आप जा सकते हो उसके थ्रू। एक बॉटल होल्डर है वहाँ पे, अलार्म है, अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो आप अलार्म बजा सकते हो। यहाँ पे जो मिरर है ये छोटा सा मिरर है, कूपे में एक बड़ा सा मिरर होता है बट यहाँ पे छोटा सा। ये स्विच बोर्ड्स है, दोनों अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग स्विच बोर्ड्स दिया हुआ है। उसके साथ ही रीडिंग लाइट है, देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। हाँ, ये काम कर रहा है, यहाँ का तो अच्छा है। ऊपर भी एक रीडिंग लाइट है अगर आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हो। इसके साथ ही नीचे में दो टेबल्स हैं, कुछ अगर आप खाना ऑर्डर करते हो तो आप उसमें मंगा सकते हो। और इस ट्रेन में पैंट्री कार्ड नहीं है, तो हमें खाना ऑर्डर करना होगा यहीं। सो ये है, उसके अलावा यहाँ पे अलार्म वाला है, अलार्म का वॉल्यूम है, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और ये कुछ क्लॉथ्स वगैरह अगर हैंग करना है तो हैंगर भी है। ये मिरर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये है, स्विच बोर्ड्स भी ऑलरेडी बता दिया है, ये लाइट्स हैं। मैंने बताया हमें इस बार केबिन मिला है, अभी तक हमारे सामने वाले पैसेंजर आए नहीं हैं। ये ट्रेन यहाँ से 6:25 में निकलेगी, और इसके बाद वहाँ हम लोग वाइजैग सुबह के 8:10 में अप्रॉक्सीमेटली पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कि ट्रेन टाइम पे है या नहीं, और हमने कुछ भी खाने के लिए पैक नहीं करवाया है, अभी हमें ट्रेन का ही खाना खाना पड़ेगा। तो जो भी होता है आगे की जर्नी आपको बताते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहते हो चंदन जी? बस सब सुमंगल हो रहा है। एक्चुअली हमारा मूड पहले से ऑफ हो गया है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमें कूपे मिलेगी बट मिला नहीं। कोई नहीं, देखते हैं, नया एक्सपीरियंस है। और एवरीथिंग इज सेम लाइक कोलकाता वाला ट्रेन, वो सेम ही है, कुछ अलग है नहीं। पैंट्री कार्ड तो एज यूजुअल किसी में भी नहीं है, तो जो भी खाना ऑर्डर करते हैं जो भी होता है, तो आगे को आपको आगे की जर्नी आपको जरूर दिखाएंगे। आप तो दोस्तों ये है हटिया विशाखापट्टनम एक्सप्रेस का वॉशरूम, बेसिन है, पानी आ रहा है, ये सौंप दिया हुआ है, ये बॉट है, जेट स्प्रे है, फ्लश है, लाइट्स वगैरह लगा हुआ है अनाउंसमेंट के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है, डोर लॉक है, नीट एंड क्लीन है, उतना भी कुछ हाइजीन नहीं है, बेस्ट है। केएफएस थाली और चाइनीज चिकन थाली,
सो देखते हैं 8:50 को हमारा आता है या नहीं। तो गाइस ट्रेन अपने टाइम पे निकल चुकी, देख सकते हो आप 6:25 में थी और ये अभी नॉर्मल स्पीड। और हमने खाना ऑर्डर कर लिया है, रेल यात्री ऐप है जिसके थ्रू हमने बुकिंग किया है। सो हमने ऑर्डर किया है चाइनीज चिकन थाली और फिश थाली, जिसमें टोटल हमें 469 रुपीस पे करना पड़ा। और ये हमारा डिलीवरी दिखा रहा है 8:50 को, राउरकेला में डिलीवरी है। सो 8:50 तक हमारा डिनर आ जाएगा। पेमेंट हमने किया नहीं है अभी तक, पता नहीं, हमें डर लग रहा है कि पेमेंट करने के बाद आएगा या नहीं, बट फिर भी 7 PM तक हम लोग पे कर देंगे। अभी आप देख, अंदर ऊपर है जिसका मीटिंग है, ऑफिस का मीटिंग है, जिसकी वजह से उसे हमने कूपे लिया है। एक्चुअली हमारा केबिन है, बट हम लोग अभी कूपे में आए हैं परमिशन लेकर के। यहाँ पे जो भी पैसेंजर है वो राउरकेला से बैठेंगे। तो 8:50 तक हमारे पास टाइम है, हम लोग यहाँ पे लाइक अपना मीटिंग वगैरह करके उसके बाद वापस अपने सीट पे चले जाएंगे। तो जैसे ही खाना आता है आपको दिखाते हैं खाने का टेस्ट क्या है और आगे की जर्नी जो भी होती है आपको इन्फॉर्म करते हैं। 2000 years later। सो अभी हमारी जर्नी को स्टार्ट हुए, 1 hour हो चुकी है ऑलरेडी, 7:22 हो रही है और चंदन का मीटिंग अभी तक चल रहा है। वो लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है पर यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल रहा है, देख सकते हो हालत खराब है। मिलते हैं जैसे ही हमारा खाना मिलता है उसके बाद फूड रिव्यू के साथ। तो अभी हमने चाय ऑर्डर किया है, इंडियन कुकीज़ का है, इंडियन रेलवे, देखते हैं टेस्ट कैसा है। टेस्ट बहुत बढ़िया है, एज ऑलवेज वैसे ट्रेन की चाय होती है, 10 rupees वेस्ट हो गई। तो ये हमने समोसा स्टेशन से ही ले लिया था, कितने का था ये? 10 rupees। 10 rupees का पर पीस है। चाय तो बहुत ही वाहियात है, हमेशा की तरह IRCTC की अपनी चाय पीने बहुत मजा है। IRCTC का चाय और IRCTC का समोसा जो खाए अगले दिन पेट ना खराब। तो अब हमें डिनर का इंतजार है, आई होप डिनर अच्छा रहे। अभी ट्रेन हमारी रुक गई है नोवा गांव में और बाहर तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। सो देखते हैं कितने देर का हॉल्ट है। और रेस्टोरेंट के ओनर से बात हो गई है, हमें खाना मिल जाएगा होपफुली। तो देखते हैं क्या होता है आगे। Day 2. विजयनगरम पहुंची है बिग ट्रेन। आई थिंक यहाँ पे कुछ देर का हॉल्ट है, 5 minutes का हॉल्ट होगा। पहली बार हम लोग विजयनगरम स्टेशन देख रहे हैं, साउथ में एंटर कर चुके हैं और एंटर करते ही हमें चाय नहीं मिला। उस वाले शॉप में गया था चाय लेने, उसके पास कुछ भी नहीं है, बस बिस्किट है। वेलकम टू विजयनगरम विशाखापट्टनम। ये आप देख सकते हो समोसा हम लोग ले नहीं पा रहे हैं, हम लोग कैशलेस है, ऑनलाइन कुछ भी पेमेंट नहीं हो रहा है। हमारी गाड़ी अब स्टेशन से निकल चुकी है विजयनगरम जंक्शन से। Oh
later. Finally, हम लोग पहुंच गए विशाखापट्टनम. पहली बार हमने ना टिकट किया है, लाइक ना होटल किया है, ना स्कूटी बुक है, तो सारा कुछ हमें सर्च करना है. कैश भी नहीं है. विदाउट कैश देखते हैं अभी एटीएम मिलता है या नहीं. ट्रैवलिंग विदाउट मनी बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है. तो चलिए जो भी होता है आगे दिखाते हैं. तो हमें यहाँ पे एक बाइक वाला मिला. हाँ, ये भी आप देख सकते हैं, फ्रिज है. अभी हमारी एक बात हुई है बाइक रेंटल के लिए. उन्होंने कहा कि गेट नंबर एक पे आना है, तो देखते हैं अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं गेट नंबर एक कहाँ है. एटीएम भी यहीं पे है. ये वाले से बात हुई है हमारी. लॉकर फैसिलिटी, अगर आपको कोई सामान यहाँ पे रखवाना है तो दिस इज गेट नंबर टू. बड़ा गर्मी है. यू आर नॉट बंगाली. सो फाइनली हमें एक एटीएम मिला है. कैशलेस होकर आए थे हम लोग रांची से. वाइजैक पहुंच गए. 50 rupees था बस कैश. सबसे पहले हम लोग एक कैश विड्रॉ करते हैं, उसके बाद रेंटल पे जाते हैं. ATM. हमारा बैड लक, कोई बैड लक है, ATM में कैश ही नहीं था और बाकी के तो ATM बंद है. सो अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली स्कूटी बुक करने के लिए. देखते हैं अगर वहाँ ऑनलाइन पे हो जाता है तो.